এই সময় কলকাতার বাসে উঠা যায় না সেই বাসে কোনো মিল নেই তাও যদি পুলিশ দেয়াল দখল করতে না পারে তাহলে এটা আমার মনে হয় তাদের আমরা মানুষকে কোনোভাবে জোর জবরদস্তি করছে না আমরা মানুষের কাছে হাত জোর করে বলছি যে আপনারা এই বন্ধকে সমর্থন করে মানুষ সমর্থন করছে বাসগুলো ফাঁকা ফাঁকা যাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সময় কলকাতার বাসে ওঠা যায় না সেই বাসে এখন ভিড় নেই তাও যদি পুলিশ দেয়াল লিখন বুঝতে না পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি দেয়াল লিখন বুঝতে না পারে তাহলে এটা আমার মনে হয় তাদের দুর্বলতা এবং মূর্খতা পুলিশ আবে ইয়াঁ পে রোক রা হ্যায় আগে জানে কে লিয়ে পুলিস অ্যালাউ নেই করে হম ডিসাইড করকে বতা বন্ধ সফল হ্যাঁ বন্ধ পুরী তরিকে সফল पुलिस तो बीजेपी মিছিল আটকাতে পারে আর কিছু করতে পারে সেম 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 আমাদের সমস্ত কর্মী সমর্থকদের গ্রেফতার করা হচ্ছে আমরা অবাক হয়ে গেলাম আমাদের সিনিয়র লিডার রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্যকে টানতে টানতে যেভাবে গরু ছাগলের মতো নিয়ে যাওয়া হলো এটা আমরা পশ্চিমবঙ্গে কেন ভারতবর্ষের কোনো জায়গায় এইভাবে দেখি पीरे आपको दिखा रखे हैं और सुकांता मजूमदार का ये प्रदर्शन ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुकांता मजूमदार वहां पर हैं, शुभेंदु अधिकारी वहां पर हैं, लोके चटर्जी हो, अग्निमित्रा पॉल हो या फिर रूपा गांगुली हो, ये तमाम नेता आज हाथ जोड़ करके लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप दुकानों को बंद कर दीजिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि न्याय को लेकर के हम ये पूरा मार्च निकाल रहे हैं और मार्च ही नहीं ये जो बंद का आह्वान है वो इसीलिए किया गया है। कल पहले छात्रों के ऊपर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद ये तुरंत से ऐलान कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और पांच दिन के प्रदर्शन की पहले ही फिर भी पुलिस ममता बनर्जी की नौकर की तरह काम कर रही है। टीएमसी का जो स्टूडेंट लोगों का सभा है उसको सफल करने में लगी हुई দেখুন তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের সাথে পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করার চেষ্টা করছে। আমরা আগেই বলেছি আমরা রাজনৈতিক সৌজন্যে বিশ্বাস করি, তারা তাদের রাজনৈতিক প্রোগ্রাম করবে, কোনো অসুবিধা নেই। মাইক আছে তো ফিলহাল আপ তসবিরে দেখ রহে হ্যাঁ কেসে सुकांता मजूमदार को जो कह रहे हैं कि बंद सफल हो चुका है लेकिन इसके बावजूद भी रोकने की जो कोशिश है वो लगातार पुलिस की तरफ से हो रही है और हमें आगे बढ़ने से फिलहाल रोका यहां पर जा रहा है। उनका कहना है कि बंद सफल हो चुका है, समर्थन यहां पर है, हमें बाजार तक जाना है लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो आगे नहीं बढ़ने देगी। हम लगातार बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस से बात यहाँ पर हो सके लेकिन सुबह से जो समर्थन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं वो ये बता रहा है कि जनता हमारे साथ है और सुकांता मजूमदार समर्थन इस वक्त यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं वो बंद के समर्थन को लेकर। বন্ধুগণ আজকে আমরা এই জোড়া মন্দির পর্যন্ত আমাদের বর্ণের সমর্থনে যে র্যালি সেই র্যালি আমরা জোড়া মন্দির পর্যন্ত করেছি। পুলিশ আমাদের কাছে আবেদন জানিয়েছে যেহেতু এই রাস্তায় এয়ারপোর্ট আছে, এয়ারপোর্টে অনেক গুরুত্বপূর্ণ লোকেরা যাচ্ছে কিন্তু পুলিশ দেয়াল লিখন বুঝতে পারছে না। একের পর এক বাস যাচ্ছে সরকারি উদ্যোগে কিন্তু বাসে সাধারণ মানুষ নেই, বাস হাওয়া নিয়ে যাচ্ছে এবং এই সরকারও একদিন হাওয়া নিয়ে যাবে। সুকান্তা মজুমদার কো আপ ইয়াহাঁ পর সুন রহে হ্যায় লাগাতার জো নারেবাজি হ্যায় ও সরকার কে খিলাফ ইয়াহাঁ পর কি জা রহি হ্যায় ও জিস তরিকে কা জো হালাত হ্যায় वो इस वक्त बंगाल में देखने को मिल रहे हैं उसके खिलाफ
जो सुकांता मजुमदार अपनी आवाज इस वक्त यहाँ पर उठा रहे हैं, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो निरंकुश शासन बंगाल के महिलाओं के अपराध के खिलाफ इस वक्त चल रहा है, उनका कहना है कि हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लोगों का समर्थन हमें यहाँ पर मिल रहा है और लोग अपना जन समर्थन दे रहे हैं, इससे सरकार बौखलाई हुई है और इसीलिए पुलिस को यहाँ पर लगा दिया गया है। पुलिस को लगाकर हमें रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो सुबह से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन इस वक्त बीजेपी नेताओं की तरफ से की गई है, उसके खिलाफ उन्हें हिरासत में ले लिया गया, रूपा गांगुली को हिरासत में लिया गया है, इसके साथ ही लोकेट चटर्जी को हिरासत में लिया गया है। भाटपाड़ा में एक बीजेपी नेता पर गोली चलाने की बात जो है वो भी सामने आती है, खबर सामने आती है, जहां पर वो खुद ये कहते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ता लगातार उन्हें निशाना बना रहे हैं। और लगातार जो सुकांता मजुमदार हैं वो आह्वान कर रहे हैं जनता से कि निरंकुश शासन के खिलाफ एकजुट हो। एक बार फिर से सुनिए, सकल महिला राज्य महिला कमीशन के ताला लगावे, ये महिला कमीशन মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরে পরিণত হয়েছে, তারা কোনো কাজ করে না, তারা আপনার আমার ট্যাক্সের টাকা এসি গাড়ি আর এসি অফিসে বসে থাকে, এই অফিসকে তাই আমরা তালা লাগানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাই আগামী 2 তারিখ জেলা গেলাম, আগামী 4 তারিখ প্রতিদিন ব্লকে ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা ব্লকের সামনে দিনব্যাপী অবস্থান করবে এবং 6 তারিখে 1 ঘন্টার জন্য আমরা চাক্কা জাম করব, গোটা পশ্চিমবঙ্গ অচল করে দেব। তাই বন্ধুগণ, আমি এখান থেকে আপনাদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে নিজের নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। মানুষকে আপনারা হাত জোড় করে আবেদন জানান, এই লড়াই বিজেপির শুধু নয়, এই লড়াই প্রত্যেকটি মানুষের, যাদের বাড়িতে মহিলা আছে, যাদের বাড়িতে মা আছে, যাদের বাড়িতে বোন আছে, যাদের বাড়িতে কন্যা সন্তান আছে, এই লড়াই তাদের সবার, এই লড়াই এই পশ্চিমবঙ্গকে সোনার বাংলা বানানোর লড়াই। তো সুকান্তা মজুমদার কে রে কি লড়াই সিফ বিজেপি কি নই হ্যাঁ, ये लड़ाई जो है वो बंगाल के आम व्यक्ति की है, यह बंगाल के मानुष की है, जिसके खिलाफ तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और इसीलिए खिलाफ की लड़ाई के लिए ही ये सड़कों पर उतरे हैं। इस बीच किसी बीजेपी नेता पर फायरिंग हो जाती है, प्रियांकु पांडे की जानकारी हमने आपको दी, जिन पर 6 राउंड फायरिंग की गई। वहीं अब रूपा गांगुली को और लोकेट चटर्जी को भी हिरासत में लिया गया है। हंगामा लगातार हो रहा है, आगजनी की भी तस्वीर आई थी, किस तरह से इंसाफ की लड़ाई अब जंग में तब्दील होती दिखाई दे रही है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और इसी बीच अगली बड़ी खबर, भाटपाड़ा फायरिंग केस में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बैरकपुर पुलिस ने संदिग्धों को पकड़ा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भाटपाड़ा फायरिंग केस में गिरफ्तारी होती है, बैरकपुर पुलिस ने 3 संदिग्धों को पकड़ा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए कैसे बम मिला था, ये बम जो है छिपाया गया था, ऐसी जगह लगाया गया था कि जैसे वहां पर भीड़ पहुंचे या बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पहुंचे उसके बाद वो ब्लास्ट हो, लेकिन उससे पहले ही बम को डिफ्यूज किया गया और ये पता लगाया गया। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, जब बीजेपी नेता की गाड़ी वहां पर जा रही थी उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, उनके ड्राइवर के ऊपर भी फायरिंग की जाती है। और अनामिका हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, अनामिका लगातार देखिए स्थिति जो है वो खराब होती हुई कोलकाता में नजर आ रही है, पश्चिम बंगाल में नजर आती हुई है, अभी आपके पास क्या तस्वीर वहां पर, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए जहां पर मेरी मौजूदगी है ये इलाका है बाग बाजार का, और बाग बाजार में पुलिस की मुस्तैदी देख के आप अंदाजा ये लगाइए कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो आज भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए पुलिस की मुस्तैदी किस तरीके से कर दी गई है। हालांकि कुछ देर पहले लोकेट चटर्जी समेत तमाम जो बीजेपी के महिला नेत्री थी उन सबको यहाँ से बसों में भर कर ले जाया गया है, और अब कुछ देर के बाद जो डॉक्टर्स हैं उनका प्रोटेस्ट यहाँ पर होने वाला है, जो ट्रेनिंग डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, वो यहाँ से प्रोटेस्ट करते हुए धर्मतला तक जाएंगे, तो उसको लेकर के भी पुलिस की यहाँ पर तैयारी मजबूत दिखाई दे रही होगी। आपको चौराहे पर आपको दिखाई दे रही होगी पुलिस की गाड़ियां, और जो अंदर रास्ते देख रहे हैं आप वहां पे भी जो पुलिस के जवान है बैठे हुए हैं, यानी कि आज किसी भी सूरत में जो प्रोटेस्टर्स हैं या फिर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको सड़कों पर निकलने की मनाही है, जो निकले वो पकड़े गए, जो निकले उनको अरेस्ट कर लिया गया, हटा दिया गया यहां से। हालांकि बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो अभी भी कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का ये दरअसल कहना है कि बंद का यहां पर कोई परमिशन नहीं दिया गया है, लिहाजा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यहां पर खड़े होने की परमिशन नहीं है, प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं है, लिहाजा जिस भी जगह पे उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता देखने को मिलते हैं वैसे उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। अभी फिलहाल सीधे रुख करते हैं जतिन का। जतिन, तस्वीरें आपके पास क्या दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे माहौल था जो बीजेपी के कार्यकर्ता, और सीधे रुख करते हैं सुमित का। सुमित, आप क्या दिखाएंगे प्रोटेस्ट को लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, वहाँ क्या कुछ हो रहा है?
देखिए इसी तरीके की तस्वीरें जो है वो कोलकाता की अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। और अनामिका जैसे आपने तस्वीरें दिखाई और दूसरी तरफ यहाँ पर भी आप तस्वीरें दिखाइए, मेरे सहयोगी संजीव आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहाँ पर तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं और लोगों से लगातार अपील की जा रही है, लोगों से अपील लगातार यहाँ पर की जा रही है। संजीव थोड़ा इधर भी आ जाइए, दोनों तरफ से आप तस्वीरें दिखाइए क्योंकि एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ता हैं, दूसरी तरफ पुलिस के जो जवान हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं बंगाल पुलिस के, और जिससे कि किसी भी तरीके से कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने ना दिया जाए। यहाँ पर दरअसल ये बागोईती जो मोड़ इलाका है जहाँ का ये पूरा बाजार है जहाँ पर ये तमाम कार्यकर्ता जुटे और पूरा बाजार जो है बंद है। जरा मैं मेरे बाई हाथ जो है आप तस्वीरें देखिए, ये बागोईत बाजार है, यहाँ इतनी भीड़ होती है कि कोई अपने पैर भी यहाँ पर नहीं रख सकता है। लेकिन आज स्थिति ये है कि दुकानें पूरी तरीके से बंद है, कोई एक या दो दुकान यहाँ पर बमुश्किल खुली हैं, उन्हें भी बंद करवाने के लिए, उनसे अपील करने के लिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जो कार्यकर्ता है बीजेपी के पहुँचे। जरा आगे आइए, जरा बात करते हैं संजीव कुछ लोगों से जो बीजेपी के लोग यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं कि न्याय यहाँ पर मिले, इसकी मांग लगातार की जा रही है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके की निरंकुश सरकार चल रही है, इनसे जरा बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? नकुल भट्टाचार्य जी। अच्छा भट्टाचार्य जी, ये बताइए आज आप लोग सड़कों पर उतर कर क्या कर रहे हैं? सकेगा बंगाली बोल सकते हैं, चलिए कुछ लोगों की भाषा की भी थोड़ी समस्या रहती है, लेकिन देखिए वी वॉन्ट जस्टिस के नारे कैसे यहाँ पर लगातार जो है वो इस वक्त लग रहे हैं, जिसकी मांग यहाँ पर कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम ममता बनर्जी पदत्याग चाहिए इमीडिएटली, हमरा किछु चाहिए ना। मांग कर रहे हैं आप लोग? सारा बांग्ला जुड़े जे भाव महिला नारी